चलो 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 या जिला प्रशासन को आगे करके इस रोड को भले केंद्र सरकार वालों को उसके जरिए या फिर दोनों टाइप करके और इस रोड को थ्रू आउट जो जितना 12 किलोमीटर कितना है दस किलोमीटर इसको अप टू डेट करवाना, ये उपखंड प्रशासन और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अगर सीरियस नहीं लेता तो हम उसको एक लाइन पे लाके सीरियस मैं आपको टोपी हो जाता उसके खिलाफ ही अनुशासन कार्रवाई और जो अपने मजावर गांव में ये जाम क्यों करना पड़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मजावर गांव में जाम इसलिए करना पड़ा है, ये रोड सेंक्शन हुआ था कम से कम साल भर पहले, इसकी स्वीकृति हुई थी 6.5 करोड़, इसको चुनाव के बाद वापस गवर्नमेंट ने नहीं चालू कराया, काफी ज्ञापन दिए काफी, और माननीय एमएलए साहब ने इसका विधानसभा में भी उठाया था महीने भर पहले, उसका भी इन्होंने अभी तक कोई असर नहीं हुआ, और रस्ते में पैदल आदमी नहीं चल सकता, ये हालत है गुजरागढ़ा से लेके धोली घाटी से लेके मजावत तक, और इस प्रशासक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नहीं किसी कर्मचारी ने ध्यान दिया, नहीं किसी सरकार ने ध्यान दिया, इसीलिए मजबूरन बारिश होते हुए भी लोगों को आज जाम में मतलब करना पड़ा, और पब्लिक को भी असुविधा है, मगर ये या तो पूरा भरोसा भाई हम रोड बनाएंगे या चालू करके देवे तो हम जाम ये हटाएंगे, इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। एक महीने में काम कम से कम 1.5 साल पहले ये रोड सेंक्शन हुआ है, उसको अभी तक इन्होंने चालू नहीं कराया, इसका इसकी सेंक्शन हुई है, ठेकेदार है इसका मानक कुमावत, जिसके नाम का टेंडर हुआ उबेसर जी वाला रोड, उबेसर जी से आगे भी रामपुरा तक इसी का एक ही ठेकेदार का रोड है, और प्रशासक ने अभी तक इसकी नहीं सुनी, और इसके लिए नहीं तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, और अगर ये इसको अभी व्यवस्था करके और चालू करें, पैदल आदमी नहीं जा सकता है, और आएंगे तो उनको भी पता रहेगा भाई हम कैसे आ रहे हैं, छोटी गाड़ी तो आ ही नहीं सकती है।